राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बिहार की तर्ज पर वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पारा शिक्षकों ने तेज कर रही है। इसको लेकर आकलन परीक्षा पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने सोमवार 2 अक्टूबर को रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मुझे समझ में नहीं आता है कि बिना क्या उनका डिमांड है, क्या उनकी मांगे हैं। कम से कम वो मांगों के संदर्भ में अगर अभी तक कुछ ज्ञापन दे दिए रहते तो हमें लगता है उस पर बोलने में आसानी होती या उनकी मांगों को समझा जा सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी के लोग हैं, हम लोकतंत्र पे आस्था रखते हैं, लोकतंत्र पे हमारा विश्वास है, तो उन लोगों आकर के कांग्रेस भवन में अगर धरने पर बैठ गए तो स्वाभाविक तौर पे हम लोकतंत्र का सम्मान करते हुए तमाम लोगों को हम लोगों ने चाय भी पिलवाने का काम किया है कि आप आए हो चाय पियो, लेकिन कम से कम क्या आपकी मांगे हैं ये मांग तो बताओ। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, वेतन की मांग किसी पार्टी के दफ्तर में जा करके आप धरना दे करके वेतन का मांग आप करते हो तो वहां से वेतन तो मिलता नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया है। आप स्वाभाविक तौर पे उस प्रक्रिया के तहत, आप उस नियम के तहत अगर आप आओगे तो हमें भी लगता है कि हम लोग भी आपका मदद करेंगे और मदद करने में खुशी भी महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे आप किसी अन्य दलों के राजनीति का शिकार ना हो ये लोग, और जो उनकी मांगे हैं वो मांग रखें, फिर उस पर विचार किया जाए। वेतन मांग को लेकर हमारा यही कहना है कि इस सरकार आने से पूर्व में जिस जिस सभा में गई, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो जो अभी वर्तमान में है, हर एक सभा में जाके उन्होंने यही वादा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी हम 3 महीने के अंदर हम वेतनमान पारा शिक्षक को देंगे, परंतु आज 4 साल बीत चुका है लेकिन अभी भी हमें वेतनमान नहीं मिला। जिस प्रकार से सरकार की ओर से ये कहा जाता था कि पारा टीचर अयोग्य है, उसके बाद भी हमारा प्रमाण पत्र जांच हुआ, हमने प्रमाण पत्र का जांच करवाया, जांच करने पर हम एक आकलन परीक्षा ली डिपार्टमेंटल एग्जाम में, और ये जो आकलन परीक्षा था ये सुपर टेट से भी गंभीर परीक्षा थी, इसमें भी हमारे 30,000 पारा शिक्षक पास कर चुके हैं। अब हमारा ये मांग है कि अब समय हो गया है, अब हम वेतनमान दीजिए, और हम लोग आज एक दिवसीय धरना भूख हड़ताल के रूप में आज कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस कार्यालय से यहाँ से नीति और नेता बनता है, सभी तरह का होता है, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारी मांग तो है वेतन मान, और ये मेरा अधिकार बनता है कि सरकार हमें वेतन मान दे। यदि वेतन मान यदि सरकार नहीं देती है, आज हम लोग कांग्रेस के ऑफिस में 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं, और ये कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय को, कि हम लोग को वेतन मान पर शीघ्र विचार करें। हमारा वित्त विभाग में फाइल फंसा हुआ है, श्री माननीय रामेश्वर उरांव जी से भी आग्रह करते हैं कि वित्त विभाग आपका है और आप वित्त विभाग से फाइल को ईपीएफ कल्याण कोष का फाइल यथाशीघ्र उसको स्वीकृत करें और हम लोग का ईपीएफ कल्याण कोष और सेवा पुस्तिका का लाभ दें और वेतन मान दें। यदि ये लाभ हमें सरकार नहीं देती है तो आज ये आप चैनल के माध्यम से कांग्रेस और जेएमएम के सभी लीडरों को ये चेतावनी भी हम लोग को है कि चुनाव बहुत सामने है और इसका नतीजा आप लोग को देखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह का आंदोलन 15 नवंबर 18 को भी कर चुके हैं। इससे पूर्व रघुवर सरकार को भी यही हम लोग के साथ जो किया था, वेतन मान नहीं दिया था, तो इसके खिलाफ में हम लोग 15 नवंबर 2018 को इसका नतीजा बीजेपी वाले देख चुके हैं। आज हम लोग पूरे वेतन मान के जोर में है, वेतन मान हम लोग का अधिकार है, ये वेतन मान सरकार हम लोग को दे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।